Hello friends, welcome to Riya's Classes. Today's session, where we will study about the topic urban-rural income breakup. This topic is part of Unit 13, Structure of Indian Economy, of the subject Business Environment, MCO4, MCom, Second Year, IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की जो कि है अर्बन रूरल इनकम ब्रेकअप तो हम जो है काफी एक दो वीडियो से हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है हम बात कर ही रहे हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है उसमें एक और यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जो पॉपुलेशन होता है अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो जो पॉपुलेशन होता है उसका ट्रांसफर होता है कहां से फ्रॉम द रूरल एरियाज टू योर अर्बन एरिया सो वी कैन सी की पॉपुलेशन का ट्रांसफर होता है यानी कि लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं एक तरह से क्या करते हैं पीपल माइग्रेट लोग रूरल एरिया गांव वगैरह को छोड़ के वो शहरों की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई शहरों में जो है ऑपरचुनिटी जो है वो ज्यादा है शहरों में जो है सैलरी मिलती है शहरों में अगर आप जाओ तो जो आप खेती बाड़ी से कमाते हो उससे ज्यादा जो है पैसा जो है वहां पे शहरों में आप कमा सकते हो तो वो जो है एक ऑपरचुनिटी जो है ये ऑपरचुनिटी प्रोवाइड कौन करवाता है ये अर्बन एरियाज जो है अर्बन एरियाज में आपको ये ये ऑपरचुनिटी जो है वो देखने को मिलेगा एंड ये क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई जो सोशियो इकोनॉमिक है सोशियो एज वेल एज योर इकोनॉमिक वो दोनों पार्ट में जो है फोकस होता है उन दोनों पार्ट में जो है वो डेवलपमेंट होता है अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो मशीनरी प्रोवाइड कराना नई टेक्नोलॉजी लाना ये सारा जो चीज है अकम्पनीड होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ के आने से जो है शहरों में जो है नई टेक्नोलॉजिया यूज होती है बड़े बड़े कंपनीज जो है खड़े होते हैं प्राइवेटाइजेशन आपको पता है ये सारी कहानी जो है जो 19, 19 जो वो प्राइवेटाइजेशन एलपीजी वगैरह हुआ था लिबरलाइजेशन की कहानी जो 1991 के बाद की जो कहानी है ये सारी एंड इस टाइम तक प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज्यादा आ गए थे शहरों में कंपटीशन जो है काफी ज्यादा था एंड कंपटीशन काफी अच्छा होता है क्योंकि कंपटीशन से जो है नए नए कंपनीज जो है खड़े हुए थे तो यहाँ पे काम करने के लिए जो है यहाँ पे जो है लोगों की जरूरत थी एंड यहाँ पे जो है ये लोग सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे थे एंड ये सब जो है अट्रैक्ट किया रूरल के लोगों को जिनको लगा कि भाई हम अगर शहरों में जाए तो हमें ज्यादा जो है पैसा मिलेगा हम जो है अपने परिवार के लिए ज्यादा पैसा कमा पाएंगे सो so, ये है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन को हम देख सकते हैं फ्रॉम योर रूरल एरिया टू योर अर्बन एरिया ओके सो यहाँ पे जो है देखो जब लोग ही शिफ्ट हो रहे हैं सारा आउटपुट का खेल है ओके okay? जो एनडीपी की हम बात करते हैं जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका एनडीपी एनडीपी स्टैंड्स स्टैंड फॉर योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब एक बात याद रखना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपली आउटपुट है ओके okay? तो आउटपुट अब किसके काम करने से होगा आपको पता है कि लेबर के काम करने से होगा सो so पहले जो था मैक्सिमम लोग जो है जो रूरल में थे जो जितने लोग थे वो चलो एक फिक्स्ड नंबर है ओके okay? कोई भी फिक्स्ड डेटा है तो हम रूरल के जितने भी लोग हैं वो अपना एक अलग से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रहे होंगे अर्बन एरियाज के लोग जो है जो ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पे वो अपना एनडीपी उनका अलग से इश्यू हो रहा होगा अब क्या होगा जब रूरल एरिया से लोग जो है वो मूव करने लगेंगे द अर्बन एरिया तो यहाँ पे जो एनडीपी जनरेट होता है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि लोग ही चले गए लोग, लोग जो है गांव छोड़ के शहर चले गए तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गावों में जो है होना चाहिए वो कम हो गया ऑब्वियसली बात है और जब लोग अर्बन में एरिया में ज्यादा आ गए गांव के सारे लोग तो अर्बन एरिया के क्या हो गया अर्बन एरिया का जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ है ना इंक्रीज होगा ये सिंपल सा देखो कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो है आपके बुक में जो है एक टेबल दिया हुआ है जो कि है रूरल अर्बन इनकम ब्रेकअप वो इनकम ब्रेकअप उस टेबल को समझने के लिए बस आपको यही चीज समझना है कि जब रूरल एरिया को छोड़ के लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं यानी कि रूरल एरिया छोड़ के जब अर्बन एरिया में लोग चले जाते हैं तो ये जो एनडीपी होता है विच इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये रूरल एरिया का कम हो जाता है क्योंकि लोग छोड़ के चले गए एंड अर्बन एरिया का बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे क्या हो गए लोग वहां पे आ गए ओके ये आपको अगर समझ आ गया बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बहुत इजी सा चीज है ये यहाँ पे कुछ भी इतना कोई हाईफाई सा चीज नहीं है सिंपल सी बात है कि भाई लोग होंगे तो काम होगा ओके okay? अगर लोग एक जगह को छोड़ के चले गए तो उस जगह का काम कम हो जाएगा एंड दूसरे जगह का काम बढ़ जाएगा जहां हो जाएगा यहाँ पे भी यही हो रहा है बस बेसिक आपको यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में समझना है कि अगर रूरल एरिया से लोग छोड़ के चले गए तो रूरल एरिया का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और अर्बन एरिया में लोग जा रहे हैं जितने ज्यादा लोग अर्बन एरिया में होंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्बन एरिया का क्या होगा वो बढ़ जाएगा अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हम यहां पे जो है टेबल को देखते हैं एक टेबल दिया गया है ये जो टेबल है इसका सोर्स है आपका सीएसओ नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स एंड आपके बुक्स में ये दिया गया है टेबल थर्टीन पॉइंट थ्री एक बार हम इस टेबल को देख लेते हैं सो तो यही है वो टेबल टेबल थर्टीन पॉइंट थ्री जो कि विच शोज योर क्या दिखाता है भाई रूरल अर्बन इनकम ब्रेकअप ओके okay? तो यहां पे जो है देखो हम डेटा यहां पे क्या क्या देख रहे हैं नाइनटीन सेवनटी टू सेवेंटी वन का डेटा और नाइनटीन थर्टी और 94 का डेटा ओके okay? 1993 से 94 का डेटा 1970 से 71 का डेटा सो so ये दोनों डेटा में कंपेयर हो रहा है पर हम ये कंपेयर करेंगे कि किस हिसाब से किस तरीके से जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो हम इतनी देर से एनडीपी एनडीपी कर रहे हैं उसमें क्या चेंज आया है वो हम एक बार देख लेते हैं सो so, अगर हम 1970 का डेटा देखे 1970 रूरल एरिया में देखो आपको 22,937 का फिगर दिख रहा है ओके एंड अर्बन में ये फिगर है 13,850 का एंड इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 36,787, ओके ये सिंपल सा है इसको हम पर, परसेंटेज में भी इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे देखो ये टोटल हो गया टोटल कितना है टोटल तो हंड्रेड है ही जिसमें से रूरल का है 62.4 परसेंट एंड जो अर्बन है उसका है 37.6 ओके okay? तो यहां पे जो है सिंपल आपका दे रखा है कि भाई रूरल में यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरे सौ में से अगर ये पूरा का पूरा सौ है तो सौ में से जो है 37 क्या है 37 अर्बन है एंड जो बाकी आपका जो है 62.4 ये सारा क्या है ये आपका रूरल है तो आप देख सकते हो एनडीपी में एनडीपी जो है रूरल का जो है कंट्रीब्यूशन वो कितना है एंड अर्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है यहां पे आपको जो है साफ साफ जो है दिखाई देगा सो so, पहले 1970 में आप यहां पे आप देख रहे हो कि रूल कौन करता था रूरल एरिया का जो एनडीपी है वो ज्यादा रहता था एज कंपेयर टू द एनडीपी ऑफ अर्बन एरिया ओके अब हम जो है कुछ साल बाद का डेटा देखते हैं यानी कि नाइनटीन सेवेंटी का डेटा हमने देख लिया अब हम देखते हैं डेटा नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइनटी फोर का नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर का अगर हम डेटा देखे तो पहले हम उठा लेते हैं रूरल एरिया का डेटा जिसमें देखिए कितना ज्यादा हो गया थ्री लैख सेवेंटी एट थाउजेंड सेवन नाइन्टी वन ओके एंड अर्बन का हम देख लेते हैं अर्बन का डेटा है थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड वन इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो वी हैव सिक्स लैख नाइनटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी टू तो ये जो है फिगर्स हमें दिया गया है फिगर ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके अब अगेन जो है हम इसको परसेंटेज टर्म्स में भी देख लग, दे, देखते हैं ओके okay? तो परसेंटेज टर्म्स में अब देखो ये फिगर तो हमने देख लिया फिगर में देखो थ्री लाख सेवेंटी एट है यहाँ पे थ्री लाख नाइनटीन है अर्बन का यहाँ पे भी फिगर में एनडीपी अगर आप देखो तो ज्यादा किसका आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रूरल का ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ओके थ्री लाख सेवेंटी एट थाउजेंड ज्यादा बड़ा होता है देन थ्री लाख नाइनटीन थाउजेंड ओके यहाँ पे तो फिगर ज्यादा आपका रूरल एरिया का ही है ये हम मान लेते हैं अब हम परसेंटेज एक बार देख लेते हैं तो आपका जो परसेंटेज रूरल एरिया का है वो है 54.3 और जो अर्बन एरिया का जो परसेंटेज है दैट इज 45.7 फाइव एंड दोनों को मिला के ये 100 प्रतिशत हो जाता है अब इसको अगर हम एक छोटा सा एक समझने के लिए जस्ट एक पाई चार्ट की मदद ले सिंपल यहाँ पे जस्ट समझने के कॉन्सेप्ट से तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन का जो शेयर है ना वो इतना हो गया है 45.7 ये क्या हो गया है अर्बन एंड जो बचा हुआ जो 54.3 है दैट इज योर रूरल अभी हम ये कह सकते हैं कि भाई रूरल तो ज्यादा है ही ओके रूरल ज्यादा है ही ऐसा नहीं है कि रूरल रूरल कम है या कुछ है रूरल आपका ज्यादा है ही अर्बन से बट आप देखोगे कि अर्बन जो है वहां पे उसका जो फिगर है वो बढ़ गया है अगर आप 1970 के फिगर से कंपेयर करो तो 1970 का अगर हम डेटा देखें तो रूरल में सिक्सटी था ये फिगर जो है ये वाला फिगर जो है आपका एंड ये वाले फिगर को देखो 1993 का फिगर दोनों रूरल एरिया को हम पहले कंपेयर करेंगे तो रूरल एरिया में जो 62.4 का फिगर था वो कम होके अब 54.3 हो गया है यानी कि माइग्रेशन के कारण जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो रूरल का कम हो गया है पहले 62.4 था अब कितना है 54.3 यानी कि इसका परसेंटेज घट गया जबकि हम अर्बन का अगर डेटा कंपेयर करें तो अर्बन का डेटा एक बार कंपेयर कर लेते हैं वी हैव थर्टी सेवन एट और यहाँ पे 1993 में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है है ना? 1970 में वी वी 37.6 इन 1993 45.7 तो ये फिगर तो है ये जो हरा वाला मैंने मार्क किया ये तो इंक्रीज हुआ है तो हम इसके आधार पे ये क्या बोल सकते हैं हम कि भाई जब रूरल अर्बन का जो मूवमेंट हुआ ना जब ट्रांसफर हुआ पॉपुलेशन का एग्जैक्ट वर्ड ये है कि जब ट्रांसफर हुआ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया एंड अगर हम डेटा कंपेयर करें 1970 से 1993 का डेटा तो इसमें देखो हम नाइनटीन ना थ्री का फिगर ये क्यों लेते हैं? देखो ये सब फिगर में ये सारा कहानी एक्चुअली 1991 से जुड़ा हुआ है 1991 में आपको जैसे मैंने पहले ही बताया 1991 जो है बहुत ही लैंडमार्क ईयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसने इंडिया का जो है पूरा जो फेस है वो एकदम बदल के रख दिया हम कहा एकदम ये पिछड़े थे अब देखो हम कितना ज्यादा हाईटेक डेवलप्ड है और आपको पता है कि आगे के फ्यू इयर्स में ना इंडिया ही रूल करेगा इंडिया बहुत ही ज्यादा सुपर इकोनॉमिक पावर जो है एकदम बन जाएगा सबको हम लोग जो है पीछे छोड़ देंगे एंड ये सबका जो होने का रीजन ही ये है जो नाइनटीन में जो कहानियां हुई ना जो हमने लिबरलाइजेशन uh, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट आया है ना उसके बाद ही जो है बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ तो इसलिए जो है हम एक बार एक 1970 का डेटा को यहाँ पे ले रखा है और एक जो 1993-94 का डेटा है इसलिए हमने जस्ट एक कंपैरिजन के लिए जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं हमारा टॉपिक है अर्बन रूरल इनकम ब्रेकअप तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इस टेबल से हमें यह समझ आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन जब हुआ फ्रॉम रूरल एरिया टू तो अर्बन एरिया तो क्या हुआ कि भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो रूरल एरिया का कम हो गया और किसका बढ़ गया अर्बन एरिया का बढ़ गया एक और यहाँ पे नोटवर्दी चीज ये है पर कैपिटा इन पर कैपिटा एनडीपी जो दिया हुआ है पर कैपिटा एनडीपी जो है 1970 का अगर हम डेटा देखें तो रूरल एरिया का वो 529 टोटल नहीं ये इसका टोटल नहीं है हम बस ये फिगर देखते हैं कि वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी फोर था एंड नाइनटीन नाइनटी थ्री में जो है रूरल में जो है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी थ्री हुआ एंड जो अर्बन एरिया है वहां पे कितना हुआ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो अगर हम जो है अर्बन रूरल जो है डिस्पेरिटी की बात करें जो डिस्पेरिटी का रेशियो है एक रेशियो निकलता है डिस्पेरिटी का रेशियो ओके दिस डिस्पेरिटी रेशियो अर्बन रूरल का कितना था आपका ये रेशियो यहाँ पे है आपका टू पॉइंट फोर फाइव फिगर है 1970 का और ये जो फिगर है ये अगर हम जो है अगले जो है हम जो 1993 की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्पेरिटी का फिगर है दैट इज योर 2.34 ओके तो यहाँ पे एक डिस्पेरिटी रेशियो है जिसमें कि अगर हम जो है रूरल और अर्बन का जो डिस्पेरिटी का वैल्यू फिगर हम देखे तो इट इज 2.45 एंड जो है अगर हम 1993 का डेटा देख रहे हैं कि रूरल और अर्बन में जो है प्राइस डिस्पैरिटी जो है वो डिस्पैरिटी का रेशियो जो है वो कितना है तो वो होगा 2.34 पॉइंट थ्री फोर अब आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे जो है 2.45 था वो जो है टू घट के जो है 2.34 पॉइंट थ्री फोर हुआ है तो यहाँ पे मार्जिनल जो है आपको डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है सो so, ये ओवरऑल आपका आपने देख लिया कि जो अर्बन रूरल इनकम ब्रेकअप है वो किस हिसाब से है और जो नेट जो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम बात करें वो जो मेन है चीज वो जो है वो किस तरीके से जो है उसका जो है उसमें फर्क आया रूरल और रूरल लोगों को जो है जब वो अर्बन एरिया में चले गए तो किस प्रकार से जो है रूरल का फिगर्स जो है कम होते चले गए एंड जो अर्बन का फिगर है वो बढ़ता चला गया एंड जो इनकम डिस्पैरिटी है जो डिस्पैरिटी का रेशियो है कि आप भाई रूरल में होते तो कितना कमाते और आप अगर अर्बन में होते तो कितना कमाते सो so एक तरीके से okay, और प्लस जो वहां पे जो है आपको सैलरी वगैरह मिलता है बहुत जगह अगर आप काम करो तो क्या आपको मिलेगा तो वो जो चीज है उन सब सबका अगर हम रेशियो देखें दैट कम्स आउट टू बी और 2.4 एक जगह एंड 1993 का रेशियो है 2.34 तो इसी के साथ हमने देख लिया कि अर्बन रूरल इनकम ब्रेकअप जो है जिसके जो हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन के कारण फ्रॉम ऑफ द पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज तो वो जो है किस प्रकार से है एक टेबल की मदद से हमने जो है ये कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ लिया है सो दैट सेट फॉर दिस सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय